और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की आज सुबह दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख हैं बाबा तरसेम सिंह, जिनको आज सुबह दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस के अनुसार हमलावर बाइक पर आए थे और डेरा प्रमुख पर ताबड़तोड़ फायरिंग की इन्होंने और फायरिंग करके यहां से भाग गए। हमलावरों की तलाश में पुलिस नाकेबंदी कर रही है, साथ ही मृतक के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है। नानकमत्ता गुरुद्वारे सिखों का यहाँ ये पवित्र स्थल बताया जाता है, हर साल यहाँ पर भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। डेरा प्रमुख की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव बन गया है। पुलिस का कहना है कि वो लगातार हत्यारों को पकड़ने के लिए दबिश दे रहे हैं। अनुपम त्रिवेदी एडिटर देहरादून हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ इस तरह से नानकमत्ता में गुरुद्वारे में जो डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की आज सुबह हत्या की गई है, ये अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है जानना और उन हत्यारों को पकड़ना। तो ऐसे में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे इन हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इस हत्या को कब कैसे अंजाम दिया गया, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए अनुपम। देखिए कंचन, जो नानकमत्ता गुरुद्वारा है वो उधम सिंह नगर जो जिला है अपना, बॉर्डर चीफ जिला है उत्तराखंड का, वहां पर स्थित है, बड़ा सिख का तीर्थ स्थल है। साल भर यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, सिख तीर्थयात्री आते हैं। और जो बाबा तरसेम सिंह जिनकी हत्या हुई है, वो वहां पे जो कार सेवा, जो नानकमत्ता गुरुद्वारे की कार सेवा विंग है, उसके प्रमुख थे और उनका काफी संपर्क रहता था लोगों से। रोज सुबह वो एक कुर्सी में बैठते थे और लोगों से मिलते थे। आज सुबह भी वो पुलिस बता रही है कि वो बैठे थे अपने उसी परिसर में, गुरुद्वारा परिसर में, और जब अज्ञात हमलावर आए, बाइक पे आए, उन ताबड़तोड़ गोली मारी और उसके बाद वो भाग गए वहां पे, इससे पहले कि कुछ कर पाता उनको। घटना के बाद बाबा तरसेम सिंह को पास के नानकमत्ता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पर इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, और देखिए क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, जैसा आपने खुद भी बताया कि चुनाव का माहौल चल रहा है, पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे हैं, ऑलरेडी इतनी फोर्स लगी हुई है जगह जगह पे, गश्त चल रही है, उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दिया गया, ये एक बार अपने आप में चैलेंजिंग है। और पुलिस खासकर नजर रख रही है जो यूपी के बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर नाकेबंदी करी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि वो हमलावर कौन थे, क्या थे। लेकिन इसका मोटिव बहुत साफ नहीं हो पाया कि हत्या का मोटिव क्या था। हालांकि कुछ लोकल सूत्र कहते हैं कि बाबा तरसेम सिंह को पिछले कुछ समय से लगातार धमकियां मिल रही थी, तो धमकियां किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रही थी ये साफ नहीं अभी हो पाया है। बहरहाल पुलिस पूरी वहां से पहुंच गई है, रुद्रपुर से और आसपास के इलाके से, पूरे नानकपट्टा के आसपास में और खटीमा में पुलिस डिप्लॉय करी गई है और खुद एसएसपी इस पूरे मामले पर नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुपम त्रिवेदी, ये पूरी खबर विस्तार से बताने के लिए। तो पुलिस अब दबिश दे रही है उन हत्यारों को पकड़ने के लिए जो बाइक पर आए थे और जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम की हत्या कर दी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।